तिल तिल मर रहे हैं, जिनको खाने के लिए खाना नहीं। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए, सीधी ये गरीबों के पेट पर लात मारी। जैसे खाने पीने उन पर सब पर रेट बढ़ाई है, कोई भी इस पार्टी से खुश नहीं है। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं HBN News चैनल से रितिका दुबे आपका स्वागत करती हूं। आज हम बुलंदशहर के शिवसेना जिला अध्यक्ष जी से कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे, आइए जानते हैं। राणा शिवसेना जिला अध्यक्ष बुलंदशहर। सर, जनता आपसे कुछ सवाल करना चाहेगी। आपका पहला सवाल है, सर्वेश राणा जी, आपका शिवसेना से किस तरह से जुड़ा हुआ? मेरा शिवसेना से करीब, मैं 24 साल से संगठन में हूँ। सबसे पहले मैं वार्ड अध्यक्ष रहा और वार्ड अध्यक्ष के बाद मैं जिले में महासचिव भी रहा, महामंत्री भी रहा और प्रकोष्ठ का ग्राम प्रमुख भी रहा। उसके बाद मेरा अच्छा कार्य को देखते हुए मुझे मंडल महामंत्री शिवसेना का बनाया गया और उसके बाद मुझे पूर्ण तरीके से जिले की जिम्मेदारी, जिला प्रमुख, जिला अध्यक्ष मुझे बनाया गया बुलंदशहर। सर, आप इस संगठन से जुड़े हुए आपको कितना टाइम हो चुका? लगभग मुझे 24 साल संगठन से हो गए हैं यहाँ पर बुलंदशहर में कार्य करते हुए। मैं बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चलकर यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी नीति देश को जोड़ने की थी, हिंदुत्व की रक्षा, बहन बेटियों की रक्षा के लिए। उन्होंने 1966 में पार्टी का गठन किया, जब ही से वो शिवसेना यहाँ पर पूरे देश में चल रही है और आज संगठन का जो कार्य मैं बुलंदशहर में कर रहा हूँ, सिर्फ हिंदू हितों व बहन बेटियों की रक्षा के लिए कार्य कर रहा हूँ और यही चाहता हूँ कि इस शिवसेना को गांव-गांव तक लेकर जाऊं मैं और हर हिंदुओं के दिल में बाला साहब ठाकरे जी के प्रति एक ज्योत ऐसी जलाऊं जो हर हिंदू उनके कार्य व उनके सिद्धांतों को याद रखे। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब उनके बेटे जो अभी फिलहाल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जो अभी कुछ समय पहले काफी चर्चों में रहे हैं, तो आप उनको लेकर क्या विचार रखते हैं? बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र हैं, अब हमारे भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार के हैं। उनके कार्य अच्छे हैं वहाँ पर महाराष्ट्र में, जो मुख्यमंत्री के पद पर वो कर रहे हैं और वहाँ की जनता उनके कार्य से खुश है। बाला साहब ठाकरे जी को वहाँ का बच्चा बच्चा, वहाँ की बहनें, वहाँ की माताएं, वहाँ के लोग दिल में एक भगवान की तरह पूजते हैं और हम भी उन्हीं को उसी अनुसार पूजते हैं। सर, आपको पता है वो अपने स्वर्गीय पिताजी की तरह इस पार्टी को आगे लेके जा पाएंगे? बिल्कुल, हर शिवसैनिक बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर लेके चल रहा है और वही जो बाला साहब के जो रूप था वो उद्धव ठाकरे जी के चेहरे में उनको दिखाई देता है और पूरे मन से हर कार्यकर्ता उनके साथ लगा हुआ और कार्य कर रहा है। सर, एक सवाल और है जनता का कि 2014 से पहले बीजेपी सरकार प्रोटेस्ट करती थी, उसी तरह से आप भी, शिवसेना भी प्रोटेस्ट करती थी, तो क्या आप अब भी करना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं करना चाहूंगा। 2014 में जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के दुम लगा के पीछे पड़ गई थी कि पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, डीजल के रेट बढ़ा दिए। अब प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं देता, आज उन्होंने 92 रुपए लीटर तेल कर दिया है और 850 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। कैसा गरीबों के साथ क्या क्या में न्याय कर रही है सरकार? हम लोग बिल्कुल इनका साथ नहीं देते, ना हम प्रोडक्ट करेंगे। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पेट्रोल के इतने दाम बढ़े हुए हैं, तो आप बीजेपी की सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरीके से इस भारतवर्ष की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया, वो अच्छे कार्य के लिए दिया, मगर जिस तरीके से पूरा देश कोरोना से बाहर निकल के आया है, जो बेरोजगार लोग जो तिल तिल मर रहे हैं, जिनको खाने के लिए खाना नहीं और बेरोजगार हो चुके हैं, आज उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए, ये बड़ा एक दुर्भाग्य है। सीधी ये गरीबों के पेट पर लात मारी है और बहन बेटियों के लिए जो रसोई के जो उत्पाद हैं, जैसे खाने पीने, उन पर सब पर रेट बढ़ाई है। मैं घोर इसकी निंदा करता हूँ। आज पूरे भारत वर्ष में कोई भी इस पार्टी से खुश नहीं है, मैं घोर निंदा करता हूँ। माननीय हमारे उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र में इतने धरना प्रदर्शन किए, हमने भी बुलंदशहर में खूब किए, मगर ये सरकार चेत नहीं रही है और ये भटक चुकी है। ये सरकार अडानी और अंबानी के कहने पर सरकार चल रही है, मैं घोर निंदा करता हूं इसकी।
होटल मन्नू महाराज, एक ऐसा होटल जहां आप पाएंगे हर सुविधा जैसे गार्डन एरिया, एयर कंडीशनर कमरे, बेहतरीन खाने की सुविधा और भी बहुत कुछ। पता दिल्ली रोड सिकंदराबाद बुलंदशहर। संपर्क करें 7900481418, 7055551418।